देखिए ये एवाती प्रश्न है, इसमें दो विषम संख्याओं को ज्ञात करना है। सवाल प्रश्न है दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है। तो दो क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये अपन को ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न है आपके सामने लिखा है, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है। तो दो क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए, इसके लिए हमें सबसे प्रथम पहली क्रमागत विषम संख्या को मानेंगे। माना कि सबसे पहली क्रमागत विषम संख्या विषम संख्या x+2। देखिए प्रत्येक विषम संख्या में दो का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए पहली संख्या a तो दूसरी विषम संख्या होगी 3, चौथी होगी, तीसरी होगी 5, चौथी होगी 7, 9, 11, एक विषम संख्या है। और सम संख्याओं में भी दो का अंतर होता है, तो जैसे 2, 4, 6, 8, तो एक दोनों सवाल इसी आधार पर हो सकते हैं। अगर सम दो क्रमागत सम संख्याओं का कोई प्रश्न आ जाए तो उसको भी इसी आधार पर मानेंगे, पहली संख्या x, दूसरी x+2। यदि विषम संख्याओं को पूछे तो पहली विषम संख्या x और दूसरी x+2। क्रमागत संख्या पूछे तो क्रमागत में पहली संख्या x, दूसरी x-1। तो विषम सम संख्या में पहली x और दूसरी x+2। अब प्रश्नानुसार पहली संख्या हमने क्या मानी है s, तो s का वर्ग वर्ग कह रहा है प्रथम संख्या का वर्ग, प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, यानी दोनों विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया है 394। दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया है 394। अब हमको संख्या ज्ञात करना है, तो s वर्ग जो का जो प्लस x+2 का होल वर्ग का सूत्र होता है a² + 2ab + b², इस आधार पर लिख लेंगे। यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो अलग से x+2 और x+2 का गुणा करेंगे तो उसको भी लिख देंगे, और अगर सूत्र याद है तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे x² + 4x + 4, a² + 2ab, तो 2 × 2 × a, 4x² प्लस b² यानी 2 का वर्ग = 394।
अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों मिलते हुए टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर माइनस 394। अब बराबर जीरो, देखिए टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस माइनस घटा देंगे 390 है। इसमें हम एक दो से विभाजित पूरा समीकरण, तो इसमें हम इधर दो से भाग देने पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस दो का इसमें भाग देंगे दो एक बचा 19 में दो नाम 18 दो पंचे 10 अब आगे देखिए है 195 के ऐसे गुणनखंड करना है जिनको जोड़े या घटाने पर दो आए। तो देखिए 195 के पहले अब गुणन करेंगे, आवाज गुणनखंड पहले 5 से काट देंगे तो 5 किया 15 फिर बचते कितने 4 4 45 हुए तो 5 45 फिर 13 से डाय काटो 13 39 फिर 3 से काटो 3। अब हमको दो संख्या ऐसी ज्ञात करना है 195 के गुणनखंड जिनका अंतर 2 आना चाहिए। तो 5 × 3 × 13 तो 15 × 13 15 में से 13 माइनस करेंगे घटाएंगे तो 2 आ जाएंगे। तो इस तरह हम आगे सवाल में जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 ये सवाल हुआ। जब तक हम इसके चार पद नहीं होंगे, ये तीन पद है, जब तक इसके चार पद नहीं होंगे तब तक हम इसके गुणनखंड नहीं कर सकेंगे। हमें गुणनखंड करने के लिए या तो 2 पद हो या 4 पद हो या 6 पद हो। तो इसको हम 3 पदों को इसको हम 2 एक्स को 2 भागों में विभाजित करेंगे। तो इस तरह हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इनके घटाने या जोड़ने पर 2x आना चाहिए। चूंकि प्लस की संख्या ज्यादा है, प्लस की संख्या दी है इसको ज्यादा लिखना है, प्लस के 15x लिखना है, प्लस के 13x में लिखना है, माइनस के 13x लिखेंगे तब तो प्लस के 2x बचेंगे। अब हम ये देखेंगे इन दोनों में कौन सी उभयनिष्ठ संख्या है जो दोनों को विभाजित करे। इसमें उभयनिष्ठ एक्स है, एक्स इसमें है, एक्स इसमें है, तो हम सबसे कम भाग वाले एक्स को कॉमन लेंगे क्योंकि कम वाली संख्या का भाग ज्यादा वाली संख्या में जा सकता है, ज्यादा वाली संख्या का भाग कम संख्या में नहीं जाएगा विभाजित होगी, इसलिए हम एक्स को कॉमन लेंगे। तो क्या होगा एक्स का एक्स देखिए भाग देने पर
रात है लगती है, तो एक्स का एक्स को अगर भाग देंगे तो एक दो में से एक घात कम हो जाएगी, तो यहाँ एक्स बचेगा। अब एक एक लिखा नहीं जाता है इसलिए एक्स एक ही माना जाए, एक्स का प्लस एक्स से एक्स विभाजित हो जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 15। इसी तरह एक माइनस जो का दो लगाएंगे। अब यहाँ आप देखेंगे कौन सी संख्या दोनों को विभाजित कर रही है, वही लिस्ट है, तो 13 से 13 विभाजित है और 13 से 195 विभाजित है, तो हम 13 का भाग दोनों में जा रहा है, तो हम 13 को कॉमन लेंगे 13, तो कोष्ठक में क्या बचेगा 13 से 13 कट गया, एक्स बचा। अब चूंकि माइनस 13 हमने कॉमन लिया है, जब माइनस 13 का भाग आप माइनस 195 जान कर देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा और 13 से 195 15 को विभाजित हुआ। अब फिर आगे देखिए, अब कॉमन कॉमन हम एक कोष्ठक में लेंगे एक्स माइनस 13 और दूसरे कोष्ठक में लेंगे इन दो में से ओवरलिस्ट कोष्ठक एक्स प्लस 15 बराबर 0। अब आगे देखेंगे, क्योंकि हमने धन क्या हमने वो धन दो क्रमांक धन पूर्णांक ज्ञात करना है, धन विषम संख्या, दो क्रमांक विषम संख्या, दो क्रमांक धन विषम संख्या, यहां धन विषम संख्या का सवाल है, धन विषम संख्या। अब देखिए तो एस माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर 13 माइनस 13 उस तक जाएंगे तो 0 में जुड़ जाएंगे, 0 प्लस 13 13 हो गए। इस तरह अगला देखिए एक्स प्लस 15 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 15, चूंकि धन पूर्णांक संख्या में आ गया है इसलिए ए माइनस में है ऋणात्मक है, इसलिए ए सही नहीं है और ए संख्या सही है, तो हमने क्या माना था पहली विषम संख्या एस मानी थी, तो एस का मान कितना आया बराबर 13। दूसरी विषम संख्या मानी थी हमने 13 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2, तो 13 एक्स 13 रख देंगे और प्लस 2 तो 15, तो दोनों क्रमांक विषम संख्या क्या हुई, दोनों क्रमांक विषम संख्या संख्याएं बराबर 13, 15। इस तरह से ये आपका प्रश्न हल हुआ, पहली विषम संख्या 13, दूसरी विषम संख्या 15।